दिनांक 21/10/2018 को महासंघ के प्रधान महासचिव श्री केपी चौधरी जी के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के बैरकपुर गांव में, जो कि उनका पैतृक गांव में, पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रामवासियों द्वारा मोटरसाइकिलों एवं कारों के काफिले के साथ पूरे गांव में रैली निकाली गई। पूरे गांव में श्री केपी चौधरी पर फूल बरसाकर गांववासियों ने उनको अपना प्यार, दुलार एवं आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर श्री केपी चौधरी जी के समाज उत्थान में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें डॉक्टर अंबेडकर सोचित उत्थान समिति बहरा फिरोजपुर बुलंदशहर द्वारा उन्हें बुलंदशहर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। भीमराव अम्बेडकर सोचित उत्थान समिति बहरा फिरोजपुर बुलंदशहर प्रेजेंट करती है ये बुलंदशहर रत्न अवार्ड से ऑफ रेगोनाइजेशन एंड मिस्टर केपी चौधरी सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड। हम समिति की तरफ से इनको सोल पहना कर और चित्र देकर जो है इन्हें सम्मान करते हैं बुलंदशहर रत्न अवार्ड बुलंदशहर। जब तक जरूर दिनांक 12 नवंबर 1961 को श्री केपी चौधरी का जन्म इसी ग्राम बहरा फिरोजपुर में हुआ तथा उन्होंने अपनी प्रारंभिक बेसिक शिक्षा यहां से प्राप्त करने के बाद पब्लिक इंटर कॉलेज सियाना से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद बुलंदशहर की आईपी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की तथा मेरठ से स्नातकोत्तर की उपाधि लेने के बाद उन्होंने 22.5 वर्ष की उम्र में 1984 में भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी शुरू की तथा यहां से ही वो सामाजिक आंदोलन के प्रतीक बन गए। श्री केपी चौधरी ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इतने आयाम स्थापित किए कि उनकी गिनती करना मुश्किल है तथा उनकी समाज उत्थान की अद्वितीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए देश और दुनिया के लोग उनको सुनने के लिए बुलाते हैं। आरक्षण कानून बने, हाथ उठाएं, आरक्षण कानून बनना चाहिए, हाथ उठाइए, आरक्षण कानून बनना चाहिए, संविधान की 9वीं सूची में आना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, इसके बाद सेना में जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। दिनांक 20/7/2013 को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका। आरक्षण को निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में, शिक्षा में और सेना में लागू किया जाए और शेड्यूल कास्ट प्लान में ट्राइब्स प्लान का जो पैसा है जो करीब 4,00,000 करोड़ हर साल एलोकेट होता है एससी एसटी के लिए, उस पैसे से गरीब बच्चों के लिए 1,000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाए और अमेरिका के प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी के सिद्धांत पर उस हम वाला जो देश में जो रोजगार पैदा होते हैं भारत के अंदर उसमें 25% हिस्सेदारी एससी एसटी उद्योगपतियों की होनी चाहिए, उनसे सामान खरीदा जाए। दिनांक 13/4/2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका। दिनांक 14/4/2016 को कॉन्सुलेट जनरल न्यूयॉर्क अमेरिका। भारत में जो हमारे एससी एसटी समाज के लोग हैं उनके साथ जो ज्यादतियां भारत में हो रही हैं उन पर भी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, उस संबंध में हम प्रस्ताव पारित करेंगे और भारत की सरकार को आज यूएनओ के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि भारत में हो रही एससी एसटी समाज के साथ ज्यादतियों को रोका जाए और उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार पहल करे। जय भीम। दिनांक 25/4/2016 को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन। आज एक समस्या भारत में एससी एसटी के सामने सर बहुत बड़ी खड़ी हो गई है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है। जो लोग 40 लाख थे 2 जुलाई 1997 को घट करके 20 लाख रह गए, 20 साल बाद वो जीरो हो जाएगा और सरकारी क्षेत्र में नौकरी में रहेगा कोई आदमी नहीं और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होगा तो बैक टू पेविलियन यानी गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुए पुनः पैक्ट बेमाने हो जाएगा। दिनांक 13/4/2000 को संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती यहाँ पर मना रहे हैं और मैं इस अवसर पर पूरी दुनिया के अम्बेडकर अनुयायियों को बधाई देना चाहूँगा। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस सी एस टी ऑर्गेनाइजेशंस की राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से मैं सारे देशवासियों को, भारतवासियों को, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को आज मैं बधाई देता हूँ कि ये एक सुंदर और ऐतिहासिक क्षण है जिसको हम सब लोगों को हर्षोल्लास के साथ मनाने की आवश्यकता है। 26/4/2018 एवं 5/5/2018 को कनाडा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर आयोजित विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए समाज की आवाज उठाने का काम किया। इस बार प्रस्ताव
भारत के एट्रोसिटीज पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 25 अप्रैल 2016 को पास हुआ था, जिसको वहां के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी रिकमेंडेशन के साथ में भारत के प्रधानमंत्री को भेजा था। उसका प्रिंटिंग इस बुक में भी है जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आपको दी गई थी पिछले, जो बाबा साहब का कार्यक्रम पिछले दिनों हुआ था और आज भी शायद दी जाएगी। और आज दूसरी बार ये कनाडा की धरती पर यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है। मैं इसरो के जो इसके अलावा अपने समाज की मांगों के समर्थन में दिनांक 18/7/2013 को वाशिंगटन स्थित अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस पर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में उनके गृह जनपद बुलंदशहर में शिक्षकों द्वारा एक विशाल कार्यक्रम दिनांक 2/9/2018 को बुलंदशहर के ब्राड फॉर्म हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। दिनांक 6/12/2018 को कनाडा की पार्लियामेंट में पहली बार आयोजित भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रीमान केपी चौधरी जी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया। इस एक सप्ताह की कनाडा यात्रा के दौरान श्री केपी चौधरी कनाडा के टोरंटो, मॉन्ट्रोल एवं ओटावा शहर में अलग अलग सभाओं को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क।